दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में पिछले दो महीने से हर रोज सुबह स्थानीय लोग दोस्ती का वो नजारा देखते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा ना ही सुना होगा। सांगली जिले के यदेम चंद्र गाँव का 60 साल का किसान प्रकाश पाटिल हर सुबह कुएं पर अपनी दोस्त एक मछली से मिलने आता है। इतना ही नहीं, मछली भी अपने दोस्त प्रकाश की पुकार सुनकर कुएं के पानी की सतह पर चली आती है और उससे दुलार करती है। प्रकाश ने अपनी इस दोस्त मछली का नाम नारायणा रखा है। प्रकाश जैसे ही कुएं के पास आकर नारायणा नारायणा पुकारता है, मछली उसकी आवाज सुनकर पानी की सतह पर आ जाती है। प्रकाश पहले उसे दुलार से थपथपाता है और फिर उसे अपने हाथ में उठाकर प्यार करता है। 2 फुट से ज्यादा लंबी नारायणा और प्रकाश की दोस्ती का यह नजारा सांगली के इस गांव के लोगों को भी बहुत प्रिय है। एक ग्रामवासी का मानना है कि हमने ऐसे दृश्य फिल्मों में देखे हैं, लेकिन ये नजारा अविश्वसनीय है। आज के समय में जब इंसान इंसान की बात नहीं सुनता, एक मछली इस किसान की पुकार सुनती है। ये इनकी दोस्ती का ही कमाल है। जितनी कमाल की दोस्ती की ये कहानी है, इस मछली के इस कुएं में आने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। प्रकाश पाटिल से जब उनकी इस चर्चित दोस्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हो सकता था कि नारायणा उसी दिन पक कर मेरे भोजन में आ जाती। एक दिन जब मैं इस कुएं से पानी निकाल रहा था तो इस मछली ने मेरी बाल्टी को जैसे जोर का धक्का दिया। वो दिन और आज का दिन हम दोनों दोस्त बन गए और अब रोज मिलते हैं। वाकई ये कहानी सबको हैरान करती है, परेशान करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि एक मछली एक इंसान की दोस्त कैसे बन सकती है। आखिर कैसे उसकी आवाज पे ये मछली पानी की सतह पर आ जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को पल पल की अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए।